हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विजय व्लॉग्स। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 200 के अंदर बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी ज्वेलरीज, जी हाँ, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। सो बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी, बट मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी जस्ट बिकॉज ये समय नहीं मिल रहा था, नवरात्रि गई, बहुत सारी चीज़ें चली गई, बट ये वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। फर्स्ट वाली वीडियो आपने देखी, फर्स्ट वाली जो फोटो थी उसके बारे में नहीं बता पाई, बट आप जाके वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। सेकेंड वाली ये चीज़ है, ये गोल्डन में है, बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सब चीज़ें जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना, उसको मैंने सब कुछ अपने फेवरेट में सेव करके रखा है। आप ऊपर रेड वाला हार्ट देख सकते हो, ये 196 का है। और थर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये वाला, मैं तो डेफिनेटली बहुत जल्दी मंगाने वाली हूँ। मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप कोड भी देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट डाल दिया क्योंकि पूरे डिटेल डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको स्क्रीनशॉट विद रुपीज़ के साथ आपको शो हो जाए। सारी वीडियो सारी फोटोज़ जो भी आपको मैं शेयर कर रही हूँ वो सारे 200 के अंदर ही है, उसके ऊपर कुछ भी आपको नहीं है। ये वाला थर्ड वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब जो इसके पहले वाला था ना वो सबसे ज़्यादा पसंद आया, और ये वाला सबसे मतलब सेकंड में, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये है जो आजकल बहुत चल रहा है अमेरिकन डायमंड में। मतलब आजकल सोने का कोई प्रेफर ही नहीं करता पहनना, सबको इसी तरीके के ज्वेलरीज चाहिए, जो मुझे लगता है कि यार सच में पर्सनली बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली भी सजेशन यही दूंगी कि कहीं जाओ तो फिर हमें सोने की चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत टेंशन रहता है सोने का पहनने का, फिर ये पहनो वो पहनो, प्लस उसको कैरी करो, प्लस उसका टेंशन रहता है कि यार उसको संभाल के रखो, कोई देख ले, कोई ले ले, कोई चोरी कर ले, तो इस चीज़ का बड़ा टेंशन होता है। तो मुझे लगता है कि यार ज्वेलरीज हो तो नकली हो, अगर ट्रैवल के लिए आप लोग लेके जा रहे हो तो वैसे तो सोने की चीज़ें बहुत काम आती है, बट ट्रैवल के लिए या फिर कहीं पर पहन के जाना आजकल बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसी तरीके की चीज़ें पहननी चाहिए, और आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग बहुत लाइट लाइट सा पहनते हैं, कोई हार्ड चीज़ या फिर कोई हैवी चीज़ नहीं पहनता। सब लोग सोचते हैं कि बहुत लाइट सा हो, लुक अच्छा हो, सिंपल लुक सदा प्रेफर करते हैं। उसके बाद ये वाला आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट सा, इसकी ईयरिंग मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो ये वाला मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी कि यार सच में इसमें 2 रुपये ज़्यादा है 200 से, बट ये आपको डिस्काउंट कॉन के साथ में या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ये आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा, मतलब 200 के अंदर में आपको सारे बजट में आ जाएंगे। सबसे अच्छी मीशो की बात यही होती है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो 7 डेज़ के अंदर आप उसको रिफंड में कर सकते हो, विद आपको पैसे भी चाहिए। अगर आपको पैसे रिटर्न चाहिए तो आपको पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। खरीदते टाइम अगर आपने ऑप्शन, दो ऑप्शन आते हैं, अगर आपको पूरे रिफंड चाहिए होते अगर आपको पूरा रिफंड पैसा चाहिए होता तो पूरा रिफंड मिलता है, या कि अगर आपको चीज़ें रिटर्न करके मिलनी चाहिए तो आपको वो मिलती है। तो वो आप डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो उसके हिसाब से आपको सब चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद ये वाला, ओहो हो, बड़ी ही प्यारी सी चीज़ है, मतलब मैंने देखा सबके रिव्यू आपको मैं बता रही हूँ, रिव्यू में भी लोगों ने इतनी अच्छी कमेंट किए हैं, इतना प्यारा प्यारा ज्वेलरी आजकल आ रहा है ना कि क्या ही बताओ। मीशो में आप लोग ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं, आप लोग क्या, हम सभी लोग इतना ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं कि यहाँ पे हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती है, हमें सोचना नहीं पड़ता कि यार हमें लेना है कि नहीं लेना है। इन अनदर वेबसाइट पे, अनदर ऐप्स पे हमें चीज़ें थोड़ी महंगी रहती हैं, हम सोचते हैं कि ले कि नहीं ले, क्योंकि थोड़ी महंगी पड़ जाती है या फिर हम समझ नहीं पाते कि इसका क्या करें। ऊपर से रिटर्न का भी टेंशन रहता है, कैश का भी टेंशन रहता है। इसमें कैसा है कि अगर आप कैश में देते हो तो आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑनलाइन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ऑनलाइन ही पेमेंट करती हूँ। अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो आपका पैसा भी रिटर्न आ जाएगा, कम से कम 2-3 घंटे में तो रिटर्न आ ही जाता है, जैसा कि मेरे साथ तो हुआ ही है। मेरा पैसा 1 घंटे में, अगर मैंने चीज़ें रिटर्न कर दी, अगर वो आ गए लेने के लिए रिटर्न करने के लिए, उसके आधे घंटे बाद पैसे रिटर्न आ जाते हैं, और मेरे सच में आते हैं हमेशा
हमेशा आते हैं, और इसमें कोई दोहराए नहीं है। मीशो से फ्रॉड होता है, कोई कोई एक ऐप होते हैं, कोई कोई वेबसाइट्स होती हैं, मतलब कोई कोई इसमें जो सेलर्स होते हैं वो लोग का मिसमैच हो जाता है। बट यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे ऐसे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। मेरे साथ तो आज तक फ्रॉड नहीं हुआ है, एक बार हुआ था बट मैंने रिटर्न किया था उसको, तो उसके साथ पैसे भी मेरे आ गए थे और चीज़ें भी चली गई थी। तो फिर मुझे लगता है कि हमें मीशो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। मुझे पर्सनली मीशो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आप देख सकते हो मैं यहाँ पे तो आपको स्क्रीन पे फोटोज से फोटोज दिखती होंगी, और मैं यहाँ कुछ और बता रही हूँ। मैं मीशो की डिटेल्स आपको शेयर कर रही हूँ, फोटोज तो आप जो देख लोगे बट मीशो के बारे में जो चीज़ें एक्चुअली में होती है वो आपको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सोच के शॉपिंग नहीं करते ऑनलाइन कि यार फ्रॉड आएगा या फिर कुछ भी आएगा, तो फिर फ्रॉड होने की टेंशन ही क्यों है। यहाँ पे सब कुछ आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप नए हो तो आपके लिए सबसे अच्छा वेबसाइट है, सबसे अच्छा जगह है मीशो। मीशो से कुछ भी आप खरीद सकते हो एकदम बेफिक्री, मतलब इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल है, घर के सामान से लेके ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेके सब कुछ चीज़ें, बच्चों की एक्सेसरीज, बच्चों की टॉयज़। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली बच्चों की टॉयज़, मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं टॉयज़ दिता के लिए, तो उसमें भी है। फिर साड़ियाँ हैं, मैंने साड़ियाँ भी होलसेल वीडियो में डालने वाली होगी आने वाली इसके बाद से। तो आपको सच में यहाँ पे एकदम प्यारे प्यारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर पसंद नहीं आता है, अगर आपके मुताबिक नहीं है वो चीज़, तो आपको रिटर्न मिल जाएगी, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। आपको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आप सारी फ़ोटोज़ देख सकते हो, अगर आपको फ़ोटोज़ अच्छी लगी, अगर आपको फोटोज़ अच्छी लगी तो आपको कोड है वहाँ पर, उसके नीचे थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो और को ले सकते हो। प्राइस भी आपको सेम टू सेम दिख जाएगा, प्राइस भी मैंने हाई वाई नहीं किया है, मतलब सिर्फ स्क्रीनशॉट डाला है मैंने, अपने अलग से कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हो कुछ भी इसमें लिपा पोती बिल्कुल करने की कोशिश नहीं की है मैंने, कि क्लियरली है इसमें कुछ भी आपको हाइड करना छुपाना नहीं है। तो वंस अगेन आपको अगर मेरी चीज़ें अच्छी लगी जो मैंने सेलेक्ट की हैं, जो चीज़ें आपको शेयर की वो अगर अच्छी लगी तो आप जाके प्रिफर कर सकते हो, मैं तो जरूर करूँगी, बट आप भी ट्राई करो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल लगे नहीं होता है तो सब्सक्राइब भी करना। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।